हम पहुंच गए मॉल के अंदर, और मॉल है ये या फिर कुछ और? इतना बड़ा मॉल, होए होए। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज 3 दिसंबर 2022, टाइम हो रहा है 6:50, और मैं हूँ अभी अपने घर पे। आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं मुरादाबाद गया था ड्यूटी लेके, तो वहां पे मैंने 8 बजे ड्रॉप कर दिया और मैं घर आ गया खाली करीब 11 बजे के आसपास। तब से मैंने गाड़ी वाड़ी साफ की और सो गया। अभी उठाऊँ सो के तो घर वालों का कुछ प्लान बना, आज काम करने जाने का मन नहीं है क्योंकि कल मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो गाड़ी वाड़ी साफ कर ली है, लेकिन अब घर पे भांजी आई हुई है और भांजा है तो वो बोल रहे हैं कहीं घूमने चलते हैं। तो आज जा रहे हैं कहीं घूमने, कहाँ जा रहे हैं घूमने और कहाँ घूमेंगे सब कुछ बताएंगे इसी ब्लॉग में। ब्लॉग लास्ट तक देखना, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो प्लीज फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो। अच्छा लगे दोस्तों आज शेयर भी कर दो। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स चेक करो, बाकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर में ही निकलेंगे। राधा रेडी? राधा रेडी? हेलो सुनील, हेलो रेडी? कहाँ जा रहे हैं अभी हम? गौर सिटी मॉल जा रहे हैं। राधा जा रहे हैं, सुनील जा रहे हैं और दीदी जा रहे हैं। मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं, मम्मी पापा, मम्मी थोड़ा चलने में दिक्कत होती है तो मम्मी नहीं जा रही हैं। बाकी कहीं आगे कुछ दिनों के बाद में टूर बनाएंगे कहीं बाहर का फैमिली के साथ, तो काफी मजे आएंगे। तो आज मॉल घूमेंगे, देखेंगे, अगर टाइम रहा तो काम करने चला जाऊंगा क्योंकि सुबह मेरा पिकअप 7 बजे है। तो अगर मन नहीं करा तो नहीं जाऊंगा काम करने। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही रहेगा, ब्लॉग लास्ट तक देखना। तो कर लेते आज का ब्लॉग अपने घर से स्टार्ट, गो। निकल रहे हैं मॉल के लिए, अब गाड़ी अपनी साफ खड़ी है, बिल्कुल क्लीन कर लिए, को सुबह निकलना है। तो सभी लोग आ चुके हैं, अभी चल रहे हैं यहाँ से मॉल। ट्रैफिक ऊपर थोड़ा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल से हमारे घर से 3 किलोमीटर बैठेगा, 3 किलोमीटर है, पहुँच जाएंगे 15 मिनट में, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे मॉल। आज घूमेंगे मॉल में, करेंगे मौज। तो चलो मिलते हैं मॉल में पहुँच। हम 50 मिनट पहुंच गए मॉल में। मॉल में तकरीबन 40 से 50 मिनट में पहुंचे, हैवी ट्रैफिक लगा हुआ है, तो गाड़ी हमने पार्क कर दी अपनी, चलते हैं हम मॉल के अंदर। हैवी ट्रैफिक था, 50 मिनट में पहुंचे 40। हम पहुंच गए मॉल के अंदर, और मॉल है ये या फिर कुछ और? इतना बड़ा मॉल, होए 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 होए, इतना बड़ा। ये मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आया हूँ, पहले भी आया था एक बार और दोबारा से फिर आ गया। अब पहले आया था अपने दोस्तों के साथ में, जब गांव से आए थे वो लोग तब आया था, और अभी फिर से आया हूँ। अभी इसके अंदर भी है, बेसमेंट में है, नीचे काफ़ी बड़ा। आज बढ़िया से घूमेंगे, फुल टाइम निकाल के आए हैं, बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे हर जगह। तो कुछ अंदर है इस तरह से, यहाँ भी जाएंगे, बिग बाज़ार शायद नीचे ही है। मस्त माहौल है, तो नहीं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मज़े आ रहे हैं। अपने सेकंड टाइम आए हैं ना, कैसा लगा रहा था मॉल? बहुत अच्छा, बढ़िया ना। अभी जा रहे हैं आगे, देखते हैं कुछ कुछ। स्मार्ट बाजार के अंदर तो यहाँ से खरीदेंगे कुछ कुछ ग्रोसरी, और ग्रोसरी पे चल रही है हैवी छूट, फुल फॉर्म ले रखा है हमने। तो ग्रोसरी का भी स्टोर यहाँ पे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और जगह से काफ़ी बड़ा है। दाले वाले भी हैं, दाले वाले तो क्या करना, अपने पास चावल वावल हैं ही। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे जो मिलेंगी सस्ती, सस्ती का मतलब छूट वाली। आटे के कट्टे लगे हैं और ये हमारे खेतों में से ही आते हैं। चलो चलते हैं, हरी हरी ताज़ा ताज़ा सब्जी, खीरे से लेके लौकी से लेके टमाटर वमाटर तरबूज खरबूज वगैरह कांटा लगा हुआ है, मस्त। उधर से सब्जी ले लो, इधर से बर्तन ले लो, आगे से गैस चूल्हा ले लो, और सिलेंडर आगे रखा हुआ है, यहीं से बनाओ खाओ मॉल के अंदर ही। ये कुछ चूल्हा, ओह
बाकी ड्रिंक व्रिंक करनी होगी तो ग्लास रखे हुए हैं ड्रिंक करने के लिए ग्लास। वो गाना बज रहा है अगर कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो यहाँ से ब्रीफ केस भी ले सकते हैं हम, लेकिन लॉन्ग ट्रिप पे तो अपना चलता ही है, ब्रीफ केस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपना लगेज ही इतना बड़ा है, गाड़ी के अंदर सारा कुछ उसी के अंदर रख लेते हैं। घूम लिया है हमने और बाकी कुछ खाने का मन करा तो हमने चाय पॉइंट से दो समोसे, समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं, बस 5 मिनट का वेट करने को बोल आ चुके हैं अपने दो समोसे। हम हैं 4 लोग लेकिन 2 समोसे लिए हैं हमने, 2 समोसे क्यों लिए हैं वो बताएंगे अभी खाते समय। सो गर्मा गर्म हमारे 2 समोसे आ चुके हैं, खाने वाले 4 लोग हैं और ये 2 समोसे मिले हैं हमारे लिए 138 रुपए के 2 समोसे मिले। खाते हैं करते हैं टेस्ट की 70 रुपए का समोसा कैसा है खाने में। सो गाइस 70 रुपए वाले समोसे का टेस्ट वही आ रहा है, लेकिन ये महंगा क्यों है उसका रीजन है, जैसे हम उसके आउटलेट पे पहुंचे तो उन्होंने बोला चाय पॉइंट वेलकम, तो उन्होंने कुछ इंग्लिश में बोला, मुझे समझ में नहीं आया, जब उन्होंने समोसा दिया तो थैंक यू बोला, बस उनके थैंक यू और वेलकम में ही उसी चीज के पैसे हैं, बाकी समोसा हमारा सेम 5 रुपए वाला है मार्केट वाला और टेस्ट भी वही आ रहा है, कुछ खास नहीं लगा। कैसा लग रहा था समोसा? बढ़िया है, मार्केट वाला ही है कुछ डिफरेंट है? डिफरेंट नहीं है, सेम है ना सुनील? हाँ। बढ़िया वही है ना, कैसा समोसा? बढ़िया है वही है वही है मार्केट वाला ही, बस इसलिए रेट ज्यादा है, वो थैंक यू बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं और रिस्पेक्ट बोलते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं, बस सर बोलने के पैसे हैं, आज से हम भी सब लोगों को सर बोलेंगे और हम भी चार्ज करेंगे हाई फाई वाला, तो करते हैं समोसा फिनिश फेस के बाद। सो गाइस समोसा खत्म करने के बाद में मन करा चलते हैं कपड़े वाली मार्केट में, तो घूम लेते हैं कर लेते हैं कपड़े वाली मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर। खरीदना तो हमें कुछ है नहीं क्योंकि हमारे पास कपड़े हैं, बस देखना देखना है और आपको दिखाना है, तो देखो इन्जॉय करो और यहाँ पे आओ और शॉपिंग करो मॉल के अंदर।
अच्छा हो गया। अभी हमने बेसमेंट वाला फ्लोर पूरा एक्सप्लोर करा है बढ़िया से। अभी जा रहे हैं ग्राउंड पे और ऊपर बहुत सारे फ्लोर हैं, सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे ना तो पूरी रात निकल जाएगी, फिर भी घूम नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा मॉल है, बहुत ही बड़ा। तो अभी नीचे नीचे का घूमा है, ऊपर इतना बड़ा नहीं, ऊपर तो सारे बड़े बड़े आउटलेट हैं, ऊपर जाता नहीं जाएंगे, बस थोड़ा मोटा फोटो वोटो करेंगे फिर यहाँ से निकल जाएंगे घर, क्योंकि 9 बज चुके हैं और 10 लास्ट 10 बजे तक घर निकल जाएंगे, 10 बजे तक घर पहुँचेंगे। मॉल अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया और हम पहुंच गए बिल्कुल मॉल के टॉप फ्लोर पे। लास्ट वाले पे पहुंच चुके हैं, नीचे से सारे घूमते घामते सबसे बढ़िया लगा था नीचे ग्राउंड वाले में, वो बेसमेंट वाले में सबसे था मॉल मस्ती करी थी सबसे नीचे बेसमेंट वाले में। तो अभी अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की पार्किंग में, पार्किंग में पहुँच के फिर कहीं नहीं रुकेंगे, देखें ट्रैफिक मिलेगा नहीं मिलेगा, 100% ट्रैफिक मिलेगा। अभी तो 9 बजे हैं, 9:10 हुए तो ट्रैफिक तो मिलना ही मिलना है, तो चलते हैं पार्किंग में, निकलते हैं घर के लिए, पहुंच जाएंगे आधा घंटे में। सो गाइस मॉल वॉल पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है और पार्किंग में लाइन लग रही है, तो यहाँ से भी निकलने में 10 मिनट लग जाएंगे, जहाँ जाओ लाइन 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 लाइन, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, इतनी बड़ी सिटी में गाड़ियां दिखती हैं। तो मॉल घूम लिया बढ़िया से, राधा कैसा लगा मॉल घूम के? बहुत अच्छा। बढ़िया लगा मॉल, बड़ा था ना, अपने बरेली में भी ऐसा मॉल है, फिनिक्स मॉल है ना, कुछ कुछ उसी की तरह, लेकिन इतना बड़ा नहीं है फिनिक्स, है ना बरेली वाला, काफी बड़ा है। सुनील मजा आया? बहुत मजा आया, लेकिन हमने कुछ ज्यादा कुछ नहीं खाया, केवल समोसे खाए थे। अभी घर जा रहे हैं, घर जाके क्या खाएंगे सुनील? खाना। क्या खाएंगे घर जाके, क्या मंगाएंगे, क्या ऑर्डर करेंगे बताओ, क्या खाएं? पिज्जा खाना है इसके लिए, पिज्जा पिज्जा कह रहा है, तो पिज्जा करेंगे घर जाके ऑर्डर। तो चलते हैं घर, मिलते हैं घर पहुंच के। बस हम पहुंच गए अपनी सोसाइटी में, गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी और हम पिज्जा ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी में ही पिज्जा की दुकान है, तो हम वहीं से ले आएंगे जाके, पास ही में है, हमारे कमरे से है तकरीबन 300 कदम की दूरी पे है, सामने ही है वो, देखो ओमनोस पिज्जा है, देखेगा नहीं लाइट है बहुत ज्यादा, ओमनोस पिज्जा की दुकान है, यहीं से कई बार ले जा सकता है ये सुनील, तो आज भी यहीं से कर देंगे, नहीं दिखेगा उसके अंदर वो लाइट वाला बोर्ड है ना, और ये बंद ही हो रहा है, लेकिन ऑर्डर नहीं कर सकते, बोले पैक हो जाएगा, तो हमने पैक करा लेंगे और खाएंगे रूम पे पहुंच के, तो चलते हैं करा लेते हैं पैक। और सुबह पिज्जा हमारा आ चुका है, टाइम हो गया 10:10 और पिज्जा हम लेके आ गए घर पे, तो दो पिज्जा लिए हैं और एक रेगुलर है एक मीडियम है, तो हम करते हैं पिज्जा फिनिश। सुनील मजे आ रहे हैं पिज्जा देख ले, खाने को तो अभी नहीं मिला है ना, तो अभी हम करते हैं पिज्जा फिनिश और आप भी करो एंजॉय। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे दोस्तों शेयर भी कर दो। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पे देख रहे हो कमेंट बॉक्स चेक करो, और इस वाले ब्लॉग को कर देते हैं हम यहीं पे एंड। कल मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो फटाफट करके सो जा रहा हूँ, रेस्ट करता हूँ और कल निकलना है कहीं बाहर, कल कहाँ जा रहे हैं किसके साथ जा रहे हैं वो तो बताएंगे कल के ब्लॉग में, तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना, इस वाले ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। तो लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो देखते रहो विक्की ब्लॉग, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। तो गाइस देख लिया ब्लॉग, प्लीज कमेंट करके बता भी दो ब्लॉग कैसा लगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा जब भी टाइम मिलेगा। बाकी आपका भी कोई टूर प्लान है हरिद्वार ऋषिकेश मथुरा वृंदावन गोवर्धन सालासर बालाजी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री शिमला मनाली नैनीताल या फिर पहाड़ों की रानी जयपुर जोधपुर अजमेर राजस्थान, कहीं भी घूमो हमारे और हमारी टीम के साथ में, करो एंजॉय फुल। तो लगाओ हमारा नंबर 9412222222। बाकी ड्राइवर भाई हमारे इन विक्की भाई की भी बात सुनो जो ऊपर वीडियो आ रही है।
सो गाइस अगर आप कोई ड्राइवर भाई हो, आप हमसे बात करना चाहते हो, हमसे कोई हेल्प चाहते हो, फिर टैक्सी लाइन की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें दिए हुए नंबर पर फोन कर सकते हो। टाइम का ध्यान रखें, रात को 10 बजे के बाद 12 बजे से पहले ही फोन करें। बाकी आप अगर कोई हमारी गाड़ी बुक करना चाहते हो, हमें कॉल कर सकते हो 24/7 कभी भी। हम आपको कोटेशन प्रोवाइड कर देंगे आपके टूर प्लान के हिसाब से। आपको हमारा कोटेशन ठीक लगे तो आप टूर कर सकते हो हमारे और हमारी टीम के साथ में कहीं भी एकदम रीजनेबल रेट पे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।